हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, एकदम गाढ़ी क्रीमी रबड़ीदार चावल की खीर की रेसिपी। इसे बनाना जितना आसान है, ये खाने में उतनी ही टेस्टी लगती है। और आज हम इसे बिना चीनी के गुड़ से बनाकर तैयार करेंगे। गुड़ की खीर बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। मैं आपको इसमें बताऊँगी कि कितना गुड़ यूज़ करना है और गुड़ को खीर में कैसे डालें ताकि हमारी खीर फटे नहीं, एकदम गाढ़ी मलाईदार खीर बनकर तैयार हो। तो चलिए फिर देर किस बात की, बनाना शुरू करते हैं। चावल की एकदम गाढ़ी क्रीमी खीर बनाने के लिए सबसे पहले हम कढ़ाई में 1 लीटर फुल क्रीम दूध डाल देंगे। हो सके तो आप खीर बनाने के लिए फुल क्रीम दूध का इस्तेमाल करें, इससे खीर एकदम गाढ़ी और क्रीमी बनेगी। अब गैस ऑन करेंगे और गैस का फ्लेम हाई रखेंगे ताकि दूध में जल्दी से उबाल आ जाए। तो दूध में उबाल आने का वेट करेंगे और ये देखिए, आप देख सकते हैं कि दूध में अच्छे से उबाल आ गया है। तो अब हम गैस का फ्लेम लो टू मीडियम कर देंगे और लो टू मीडियम फ्लेम पर दूध को मिक्स करते हुए 4 से 5 मिनट के लिए पका लेंगे ताकि दूध थोड़ा सा थिक हो जाए। जब तक दूध उबलकर थोड़ा सा थिक हो रहा है, हम बाकी की तैयारी कर लेते हैं। खीर बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1/2 कप चावल लिए हैं और ये छोटे दाने वाले चावल हैं जो खीर के लिए आते हैं। खीर बनाने के लिए आप कोई भी चावल का यूज़ कर सकते हैं। चावल को मैंने अच्छे से धोकर 20 से 25 मिनट के लिए पानी में भिगोकर रख दिया था और ये अच्छे से फूल गए हैं, आप देख सकते हैं। तो चावल का पानी हम निकाल देंगे और 1 लीटर दूध के लिए इतने चावल परफेक्ट है। चावल का सारा पानी मैंने निकाल दिया है तो चावल हमारे तैयार हैं। अब गैस ऑन करके एक कढ़ाई रखेंगे और कढ़ाई में 1 बड़ा चम्मच देसी घी डाल देंगे और घी को अच्छे से मेल्ट होने देंगे। तो घी हमारा अच्छे से गर्म हो गया, तो अब गैस का फ्लेम हम लो कर देंगे और अब हम इसमें 20 से 25 बादाम और 20 से 25 काजू डाल देंगे। और अब काजू और बादाम को हम लो फ्लेम पर थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे, बस 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई कर लें। और जैसे ही काजू और बादाम पर हल्का सा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाएगा, हम इसमें 20 से 25 किशमिश डाल देंगे और किशमिश को भी हम लो फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे। किशमिश को फ्राई करने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ये बहुत ही जल्दी फूल जाती है। ड्राई फ्रूट को थोड़ा सा भून कर खीर में डालने से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। तो ड्राई फ्रूट हमारे अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, तो इनको हम एक बोल में निकाल लेते हैं। और अब बचे हुए घी में हम चावल डाल देंगे और गैस का फ्लेम हम लो रखेंगे और अब चावल को हम ऐसे लगातार चलाते हुए थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे। चावल को ऐसे भूनकर खीर में डालने से खीर बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है और चावल को पकने में कम टाइम लगता है। तो चावल को मैंने 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से रोस्ट कर लिया है, चावल में से अच्छी सी खुशबू आने लगी है। तो गैस बंद कर देंगे और चावल को हम एक बोल में निकाल देंगे और ठंडा होने के लिए रख देंगे। चावल हमारे अच्छे से ठंडे हो गए हैं, तो अब हम इसे ब्लेंडिंग जार में डाल देंगे और जार का ढक्कन बंद करके हम इसको हल्का दरदरा पीस लेंगे। ज़्यादा नहीं पीसना है, बस 1 चावल के 2 से 3 टुकड़े हो जाए, तो इस बात का आप ध्यान रखें। ये देखिए, आप देख सकते हैं इस तरह से। तो मैंने चावल को हल्का दरदरा पीस लिया है। दूध को उबलते हुए 4 से 5 मिनट हो गया है और दूध थोड़ा सा कम भी हो गया है, आप देख सकते हैं। तो अब हम इसमें भुने हुए चावल डाल देंगे और अब चावल को हम दूध के साथ अच्छे से मिला देंगे। और अब साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ केसर वाला दूध। थोड़े से केसर के धागों को मैंने 4 बड़े चम्मच गर्म दूध में भिगो कर रख दिया था, तो ये डाल देंगे और अच्छे से मिला देंगे। और अब लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इसे ऐसे चलाते हुए तब तक पकाएंगे जब तक कि चावल अच्छे से पक ना जाए। चावल को पकने में 8 से 10 मिनट लगेगा। तो बस इस तरह से दूध को बीस बीस में चलाते रहें ताकि दूध कढ़ाई के तले में लग के जले नहीं और कढ़ाई के साइड में जो मलाई जम रही है इसे बार बार दूध में मिक्स करते रहें। ऐसा करने से दूध जल्दी थिक होगा। और बीस बीस में इस तरह से दूध को चलाते रहें। चावल को पकाते हुए मुझे 10 मिनट हो गया है, चावल अच्छे से पक गए हैं
और दूध भी हमारा काफ़ी थिक हो गया है, आप देख सकते हैं। तो अब हम इसमें फ्लेवर के लिए आधा छोटा चम्मच इलायची पाउडर डाल देंगे और साथ ही हम इसमें फ्राई किए हुए ड्राई फ्रूट डाल देंगे और मिक्स कर देंगे अच्छे से। तो अच्छे से मिक्स करके हम लो टू मीडियम फ्लेम पर 4 से 5 मिनट दूध को और पकाएंगे। तो बस इस तरह से चलाते रहेंगे ताकि दूध थोड़ा सा और थिक हो जाए, और कढ़ाई के साइड में जो मलाई जम रही है इसे बार बार दूध में मिक्स करते रहेंगे और बीस बीस में दूध को आप इस तरह से चलाते रहें ताकि दूध कढ़ाई के तले में लग के जले नहीं, तो इस बात का ध्यान रखें। तो खीर को मैंने 4 से 5 मिनट के लिए अच्छे से पका लिया है और आप देख सकते हैं कि खीर हमारी एकदम गाढ़ी क्रीमी रबड़ीदार बनकर तैयार हुई है। और जब मैं चम्मच से गिरा रही हूँ तो आप देख सकते हैं कि चावल और दूध एक साथ गिर रहे हैं, ये देखिए। तो खीर हमारी बनकर तैयार है, तो गैस बंद कर देंगे और खीर को कंप्लीट ठंडा होने देंगे। जब तक खीर हमारी ठंडी हो रही है हम गैस ऑन करके गैस पर एक कढ़ाई रखेंगे और अब इसमें आधा कप पानी डाल देंगे और साथ ही 3/4 कप गुड़ डाल देंगे और अब इसे मिक्स करके तब तक पकाएंगे जब तक कि गुड़ अच्छे से मेल्ट ना हो जाए। गुड़ आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। गुड़ अच्छे से मेल्ट हो गया आप देख सकते हैं, तो गुड़ को लगातार चलाते हुए थोड़ा सा 1 से 2 मिनट के लिए पका लेंगे, बस गुड़ में 2 से 3 अच्छे से उबाल आ जाए। तो बस इस तरह से लगातार चलाते रहें। गुड़ की हमें चाशनी नहीं बनाना है, बस गुड़ में 2 से 3 अच्छे से उबाल आ जाए इतना ही पकाना है। तो गुड़ को मैंने 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से उबाल लिया है और गुड़ में अच्छे से उबाल आ गए हैं, तो अब गैस बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। तो खीर हमारी अच्छे से ठंडी हो गई है और आप देख सकते हैं कि ठंडी होने के बाद में और थिक हो गई है, ये देखिए। तो खीर हमारी अच्छे से ठंडी हो गई है, तो अब हम इसमें गुड़ का सिरप डाल देंगे जो हमने बना कर रखा है। ये अच्छे से ठंडा हो गया है तो इसे हम छान कर डाल देंगे और अच्छे से मिला देंगे। एक बात का ध्यान रखें कि जब भी आप गुड़ का सिरप खीर में डालें खीर बिल्कुल ठंडी होनी चाहिए और गुड़ का सिरप भी ठंडा होना चाहिए। अगर आप गर्म खीर में गुड़ डाल देंगे तो दूध फट जाएगा, मतलब खीर फट जाएगी, तो इस बात का ध्यान रखें। तो खीर हमारी बनकर तैयार है, तो हम इसे सर्विंग बोल में निकाल लेंगे और ये लीजिए हमारी एकदम गाढ़ी क्रीमी मलाईदार रबड़ीदार खीर बनकर तैयार है। और आपने देखा कि इसे बनाना कितना आसान है, आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें। अब इसे हम थोड़े से ड्राई फ्रूट से गार्निश कर देंगे। अगर आज की रेसिपी आपको ट्राई करने के बाद में पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।